हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एक और अकाउंटिंग टर्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मींस अमाउंट पेएबल बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस और अमाउंट ओड बाय द बिजनेस। जो भी अमाउंट पे करना है, अभी पे नहीं किया है, वो लायबिलिटी कहलाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो ओनर्स हैं, कंपनी के जो ओनर्स हैं, जो फर्म के ओनर्स हैं, वही अपने बिजनेस में कुछ पैसा लगाते हैं एज ए लोन, जो कि बिजनेस को उनको रिटर्न करना है। सो, ऐसा पैसा जो ओनर्स ने लगाया है उसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। पर यूजुअली ऐसा कम ही होता है, लायबिलिटी आउटसाइडर्स के साथ ही होती है, जिनको हम बोलेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज किस किस के साथ हो सकती है? एक्सटर्नल लायबिलिटी हमारी बैंक्स के साथ हो सकती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ हो सकती है, या किसी ऐसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो सकती है जिनके साथ हमने परचेजेस किया है लेकिन हमने अभी उनको पैसा वापस नहीं किया है, तो वो भी हमारे क्रेडिटर्स हैं। तो लायबिलिटी जो है दो तरह की हो सकती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक को बोलते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और दूसरी बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जो लायबिलिटी पेबल है विद इन 12 मंथ्स, उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जो एक साल के अंदर रिटर्न करना है। विद इन 1 ईयर कह लीजिए, ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हमारी किन से हो सकती है? हमारे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, हमारे बिल्स पेबल हो सकते हैं, जो उनके साथ हमने परचेजेस करी है लेकिन पैसा नहीं दिया, शॉर्ट टर्म लोन्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारी लायबिलिटी पेबल है आफ्टर 1 ईयर, तो उस लायबिलिटी को बोलेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमारे के साथ हो सकती है बैंक्स के साथ में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में, या लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स के साथ में भी हो सकती है। मोर देन 1 ईयर, ये है 12 मंथ्स, विदिन 12 मंथ्स एंड मोर देन 1। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी और डेट भी बोला जाता है, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इसका नोन एज नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये था हमारा टर्म, अकाउंटिंग टर्म लायबिलिटी के ऊपर। अब अगले वीडियो में हम और अकाउंटिंग टर्म्स को लेके आएंगे। थैंक यू।